आज हम आपके लिए घर बैठे वेट लॉस करने की रेमेडी लेके आए हैं। तो अगर आपको भी जिम जाना पसंद नहीं है, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, डाइट करना पसंद नहीं है, या फिर इन सब चीजों के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आज जो हम आपके लिए रेमेडी लेके आए हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, असरदार है वेट लॉस करने के लिए, जिसे यूज करके आपका घर बैठे ही बहुत ही तेजी से वजन कम होगा। तो अगर आप भी मोटापे से परेशान है, या फिर आप भी वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसे जरूर पहुंचाए, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। तो सबसे पहले ये हमने ली है 50 ग्राम मेथी। तो ये सूखी मेथी जो है, आप जानते ही होंगे, वेट लॉस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इससे बहुत ही ज्यादा तेजी से वेट लॉस होता है, बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारा खाना डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, शुगर को कंट्रोल में रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है, घुटने कमर दर्द के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो वेट लॉस करने के अलावा बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचा के रखती है। तो गैस पर हमने एक पैन लिया है, इसमें हम मेथी को ले लेंगे। तो ये मेथी को हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए भुनना है, जिससे कि मेथी हमारे अच्छे से लो फ्लेम पर भुने। इसका मॉइस्चर हमें खत्म करना है, मॉइस्चर खत्म करने से आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होगी, और एक साथ ज्यादा मात्रा में भी बना कर रख सकते हैं। तो ये मेथी को हमने भून लिया है, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा हमें इसको कलर इसका चेंज नहीं करना है। तो इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब ये हमने ली है 1 छोटी चम्मच काली मिर्च। तो ये कुछ हमने टुकड़े लिए हैं दालचीनी के। अगर आपके पास एक बड़ी जो डंडी आती है ना दालचीनी की, अगर वो एक साबुत है तो आप उसी को ले सकते हैं। तो जो काली मिर्च है वो सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इन्फेक्शन से बचाती है, और इसके अलावा वेट लॉस के लिए तो हेल्पफुल है ही, और इससे बहुत ही ज्यादा तेजी से वेट लॉस भी होता है। तो दालचीनी से बहुत ही ज्यादा तेजी से वेट लॉस होता है, और मोटापे के साथ साथ गठिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखती है, पेट में गैस कब्ज वगैरह जैसे भी परेशानी है सभी को दूर करती है, हड्डियां इससे मजबूत बनती है। तो इसको भी हमने भून लिया है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस मॉइस्चर खत्म होने तक भूनना है। तो इसे भी एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, सभी चीजों को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये हमने एक साफ सूखा मिक्सर जार लिया है, इसमें हम मेथी को डाल देंगे, भुनी हुई काली मिर्च और दालचीनी को भी डाल देंगे। तो इसे हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है। आधा चम्मच इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे। तो ये काले नमक से जो चूरन है ना, उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा, और दूसरा ये कि वेट लॉस करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पेट में अगर आपके गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, पेट अगर आपका फूला रहता है, तो वो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, पेट साफ रहेगा। तो इसको हम एक बार चला लेंगे। तो ये वेट लॉस चूरन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो ये चूरन को आप किस तरीके से लेना है वो जान लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि 1 चम्मच इसको लेना है, और इसको खाने के बाद आपको ऊपर से 1 ग्लास हल्का गर्म पानी पी लेना है। और ध्यान रखे, पानी हमें हल्का गर्म लेना है, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप इस तरीके से खाना नहीं चाहते हैं चूरन को, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद उसे पी सकते हैं। तो इसको आपको सुबह खाली पेट लेना है, या फिर रात को सोने से पहले लेना है, क्योंकि दोनों ही समय में जो वेट लॉस है वो हमारा बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। सुबह खाली पेट लेते हैं तो ज्यादा असर करता है, जल्दी से तेजी से वेट लॉस होता है, और रात को सोते वक्त भी हमारा बहुत ही ज्यादा तेजी से वेट लॉस होता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको इसको 1 चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी चीज को अगर हम बराबर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं ना, तभी हमें फायदा करती है, नहीं तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। और आपको हम इस बात की गारंटी देते हैं, अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, आपका इतना तेजी से वेट लॉस होगा, आपको खुद इसका फर्क नजर आएगा, लोग आपको आकर बताएंगे कि आपको देख के उनको भी फर्क नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है, रेमेडी है, आपको पसंद आई होगी। अगर रेमेडी जरा से पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पर क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।